नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा के रायपुर करछुलियान के ग्राम चोरगढ़ी गौशाला में बिना पानी चारे के मर रहा गोवंश। सरकार की विभिन्न योजनाओं का सरकार के नुमाइंदे जमीनी स्तर पर कितना क्रियान्वयन करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण रायपुर करछुलियान स्थित गौशाला के निरीक्षण से लगाया जा सकता है। 2 दिवस के भीतर 16 गोवंश बिना पानी व चारा के तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। अटल गोरक्षा वाहिनी श्रीवा मध्य प्रदेश से नवीन द्विवेदी द्वारा बताया गया कि गौशाला में व्यवस्थाओं का ढेर लगा हुआ है। कर्मचारियों से पता चला कि पानी का मोटर भी 1 हफ्ते से खराब है और ना ही समय पर डॉक्टर आ रहे हैं, ना ही कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा रहा है। वर्तमान समय में 220 गोवंश गौशाला के अंदर हैं, जिसमें से लगभग 150 गोवंश के कान में टैग लगे हुए हैं जो किसी ना किसी व्यक्ति के आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हैं। अतः उनकी जानकारी लेकर उन पर उचित कार्रवाई की जाए। चोरगढ़ी गौशाला के सचिव को 15 दिन पहले भूसे चारे की कमी की सूचना सरपंच महोदय एवं सचिव महोदय को सूचना दी गई थी, परंतु आज तक कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण प्रतिदिन दर्जनों गोवंश भूख प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं। रायपुर करछुलियान संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। बताइए अपने पचे कई दिन से ये मतलब भूसा खत्म है यहाँ, बताइए ना, बताइए कई दिन से खत्म है भूसा। नहीं तो अबे हाँ बताओ भाई, कई दिन से खत्म है भूसा। नहीं है 3 दिन से आपके पास भूसा नहीं है, इसलिए मैंने कल से छुट्टी ले ली। हाँ हाँ, और सैलरी नहीं मिल रही थी इसलिए। बिल्कुल भैया, हमको पाप नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए हालत है यहाँ की, 3 दिन से यहाँ भूसा नहीं है। कम से कम 100 से ज्यादा गायें हैं, जिनको ये क्या खिला रहे हैं ये पता नहीं है, और कर्मचारियों को यहाँ तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है।